मैंने 8,000 लोगों को किया है। हाँ, यहाँ मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक ब्रिगेडियर साहब, आप बड़ी बेबाकी से बोलने वाले इंसान हैं, ये मुस्लिम बच्चे पुलिस में नहीं है, इसका रीजन क्या है? खुद मुस्लिम बच्चे या वो सिस्टम जो पुलिस में भर्ती करता है? नहीं, रीजन एक मैं देखा है, दो तीन रीजन है। एक रीजन मुस्लिम कौम का ये ऐसा लगता है कि हमारे लोग को लेंगे नहीं। दूसरा, थोड़ा कल्चरली एक अलग अलग काम में लगे हुए हैं लोग, तो जहाँ पैसा मिलता है तो इसलिए वो हो सकता है। हमारे गांव के कई मुस्लिम बच्चे जो पुलिस में गए बहुत कामयाब रहे, और मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपके चैनल के माध्यम से भी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको ट्रेनिंग देके इनको एग्ज़ाम में बिठाइए, आप देखेंगे कि ये बदल जाएगा। तो कुछ तो कोशिश हर साइड से होनी चाहिए, मैं करूँगा कोशिश, अभी कितने लिए अभी। दूसरा, इसलिए जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स है, मुंबई के कितने प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे पानी के, इसके उसके झोपड़पट्टी के, क्यों हिंदू मुस्लिम एक साथ आके इसके खिलाफ लड़ते नहीं है? कॉमन इश्यूज को लेके, मतलब आप एक ऐसे भारत का ख्वाब देख रहे हैं जिसमें हिंदू समाज की समस्याओं के लिए मुस्लिम लीडर लड़े और मुस्लिम समाज की समस्याओं के लिए एक हिंदू लीडर लड़े। मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे गांव में पंचायत समिति का इलेक्शन था जैसा कॉरपोरेशन का होता है, तो मैंने एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया, कितने वोट थे? 50। टोटल 5,000 में 50 वोट मुस्लिम। वो मेरे को लोग बोले, ये तुम क्या कर रहे हो, इधर मुस्लिम है नहीं यार, तुम उनको खड़ा कर रहे हो। मैं बोला, मेरे गांव से मिसाल जानी चाहिए पूरे देश में कि जिधर मुस्लिम नहीं है उधर मुस्लिम चुन के आया। आपको बता दो, सबसे बड़े मार्जिन से नादिर शाह पटेल मेरे यहाँ चुन के आया। ये क्या है, इसको हिम्मत लगती है, हार जीत नहीं देखना होता है, कभी कभी आपको मिसाल डालनी पड़ती है अपने घर में। ये चीज़ मुस्लिम लीडरशिप भी करनी चाहिए, हिंदू लीडरशिप भी करनी चाहिए। अच्छी बात, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की अभी।